नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज दलिस्मिक चोको में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल पिज्ज़ा। ये ब्रेड रोल पिज्ज़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आइए देखते हैं क्या क्या सामग्री लगती है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले कटा हुआ प्याज ले लिया है, बारीक कटा हुआ गाजर ले लिया, टमाटर ले लिया बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च को हम बारीक काट के ले लेंगे, इसके साथ ही हम हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, और थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली ले लेंगे जिससे टेस्ट और अच्छा हो जाए, और इसमें स्वीट कॉर्न डाल देंगे। इसमें आप चाहे तो हरी सब्जियां भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अगर आप और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो। थोड़ा सा इसमें मेयोनीज डाल देंगे, मेयोनीज डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो ये हमारा मिक्स हो चुका है दोस्तों, अब हम इसमें नमक और थोड़ा सा, ये हमने नमक डाल दिया, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। ये चाट मसाला डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारा चीज अच्छे से मिक्स हो जाता है तब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। दोस्तों आज फिर से मैं कह रहा हूँ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम ब्रेड ले लेंगे, ब्रेड के सारे कोने चारों कोने काट लेंगे, चले हुए जो कोने होते हैं काट लेंगे। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के इस ब्रेड को एक साइड से भिगोना है, भिगो करके इसको अच्छे से निचोड़ लेना है दबा करके। ये अच्छे से निचोड़ लीजिए, ये हमारा मुलायम हो गया ब्रेड। अब हम इसमें भर देंगे, पहले तो मक्खन लगा देंगे खूब अच्छे से, मक्खन से मुलायम रहेगा, और इसके ऊपर हम चीज़ को ग्रेट कर देंगे। जितना अच्छा आप चीज़ डालेंगे उतना टेस्टी बनेगा। ये हमने चीज़ को ग्रेट कर दिया है। अब हम इसमें अपना बैटर तैयार किया हुआ बैटर अब हम इसमें डाल देंगे। ये हमने बैटर को पैक कर देंगे, बैटर को हम अच्छे से पैक करेंगे इसको रोल्स को, इसलिए कि इसमें जो खुलने वाले होते हैं अगर तलते समय ये खुल जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से रोल करेंगे। इसी तरह हम सारा बना लेंगे और एक एक करके तल लेंगे। सबसे पहले तलने के लिए हम मीडियम आंच पे इसको तलेंगे और धीमे धीमे तलेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और स्वादिष्ट भी बन जाए। जब तक ये तल रहा है तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई गलती आपको लग रही हो या फिर कुछ बताना चाहते हैं तो आप इस पर कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये हमारा दोनों साइड तल चुका है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, जैसे आपका बहुत ही टेस्टी चीज़ है कोई। इसको आप, ये बाकी के तीन हम पहले निकाल लेते हैं। निकालने के बाद तीन और बनाया हूँ मैंने, वो भी डाल लेते हैं तो वो भी तल जाए, साथ में दिखा दूंगा मैं आपको। ये हमने सारा चीज़ डाल दिया तीनों, ये भी तल गया आधा, एक साइड पलट देता हूँ। इसको आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं और घर पे भी स्नैक्स के रूप में भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं। ये चाहे जब आप बनाते हैं छुट्टी में बनाते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी होता है और टेस्टी भी होता है। अगर आप इसको दो तीन खा लीजिए तो फिर आपको खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी हेल्दी होती है। ये भी हमारा अब तल चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है,
ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा और क्रिस्पी बना हुआ है। ये बच्चे अगर खाते हैं तो बहुत मन से खाते हैं। टिफ़िन बॉक्स में भी इसको आप आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल द लक्ष्मी किचन कुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।